हूँ आपकी हर एक समस्या, हर एक मुश्किल जिसका आप सामना करते हैं। परमेश्वर ने उसे पहले देख लिया है, उसके लिए योजना उद्देश्य बनाई है कि आपको उसमें से लेकर जाए और उसे बाहर निकाले सफलता के साथ में, कि आप उसके अनुग्रह को जान सके और आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन की हर परिस्थिति में जानेंगे। आप असफल नहीं होंगे, लेकिन आप तो यीशु मसीह के नाम में सफल होते जाएंगे। Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy is always calling from behind. At times I could not see it, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. You are good. Where would I be? Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always coming from behind. Times I could not see. चरवाहा इतना अच्छा है कि पहले जाकर वो सब देख ले और वो निश्चित करता है कि वहां पर सब कुछ वहां पर सुरक्षित है और अच्छा है। फिर उन्हें वहां ले जाता और ऐसा भोजन देता है जिसके बारे में सोचा न था, जबकि नीचे की सारी जो घास है वो तो पूरी तरह से सूख गई है, वहां पर हरियाली नहीं रही है। चरवाहा निश्चित करता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ ना कुछ हो वहां पर, हाँ, और फिर वो उनकी सुरक्षा भी निश्चित करता है। अब ये चित्र है केवल भजन 23 में नहीं, लेकिन ये पूरी बाइबल में पाया जाता है। इसराइली लोगों को देखिए, जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाला, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं उन्हें छुड़ाने आया। देखिए निर्गमन अध्याय 3 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मूसा से कहता है, मैंने उनकी पुकार सुनी है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे आया हूं। केवल छुड़ाने नहीं, लेकिन उन्हें बड़े और उत्तम देश में ले जाने के लिए आया हूं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखिए वो पहले वहां गया था, उसने पहले उसे देखा है, उसने पहले तैयार कर रखा है, पहले मकसद बनाया है। वो अपने लोगों के लिए सबसे उत्तम जगह चाहता है। देखिए वो ये नहीं कहता है जैसे कुछ विश्वासी सोचते हैं कि सोट और लाठी तो उन पर मारने के लिए है। वो सोचते हैं जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, तो फिर जंगल में जाएंगे। और उन्होंने मुझसे भी यही कहा, याद है मैंने कहा था कि जब मैं बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो एक बूढ़े प्रचारक ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा, अभी आप सेवकाई में आए हैं, अगले 40 साल तक जंगल में रहेंगे, ऐसे कहा। उसके बाद प्रभु आशीष देगा और दूध और मधु के देश में ले जाएगा। मैं 25-26 साल का था, मैंने कहा मेरे प्रभु अगर ऐसा होगा तो मैं 65 साल का हो जाऊंगा, मतलब परमेश्वर मुझे दूध और मधु तब देगा जब मैं दूध और मधु नहीं खा सकता, तब वो मुझे ये देगा। उसे मुझे अभी देना होगा। मैंने जाना कि वो गलत है, इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहा 40 साल मेरे लिए प्रभु ने ऐसा किया, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए अलग है, परमेश्वर पहले ही आगे जाकर उसने ये सब कुछ देख लिया है। मेरे लिए दूध और मधु की भूमि उसने देख ली है, उसने मेरे लिए अच्छे जीवन की योजना बनाई है, उसने मेरे बारे में सोचा है, वो मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में विचार करता है, मेरे लिए अच्छे जीवन की योजना बनाई है और वो मेरी अगुवाई करेगा और मुझे बस उसके साथ में ऐसे ही बने रहना है, उसके करीब रहना है कि मैं उसके मार्गदर्शन के अनुसार चलते चला जाऊं। वो लाठी मेरे दुश्मनों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वो मुझे मार कर खत्म करना नहीं चाहता, जानते हैं। और दूध और मधु की भूमि संसार के लिए नहीं है, मेरे लिए है, विश्वासियों के लिए। याद है जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा मैंने तुम्हारे लिए दूध और मधु की भूमि रखी है, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पर अमारी है, यबूसी है, जबूसी लोग है, ये सब लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, वो तो बहुत ही भयानक लोग है, वो हमें मार देंगे, वो सब वहां पर रहते हैं और तू चाहता है कि हम वहां पर जाए और उस देश को ले ले, क्यों? जानते हो वो लोग वहां पर क्यों रहते हैं? और परमेश्वर ने जवाब देते हुए कहा क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था और तुम लोग तो यहां पर बाहर हो, यहां पर तुम गुलामी में हो और मुझे उस जमीन को तैयार करके किसी के हाथ में देना था और तुम्हारे आने तक वहां पर किसी न किसी को तो उसकी देखभाल करते रहना था, क्योंकि अगर वहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता तो वहां पर जंगली जानवर आकर रहते थे। परमेश्वर ने इसी तरह से कहा, ये बाइबल से है, समय नहीं कि हम इसे पढ़ते जाएं। परमेश्वर ने कहा जंगली जानवर आकर उन शहरों और नगरों में रहेंगे, इसलिए मैंने वहां पर संसार के लोगों को, भक्तिहीन लोगों को रखा जो दुष्टता के काम करते थे, वो वहां पर रहते कुछ समय के लिए आशीष का आनंद उठाते हैं, इसलिए कि तुम आकर उसे ले सको। ये सच में तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें देना पड़ा कि ये उनके पास रहे और जब तुम आओगे तब ये तुम्हें वो सौंप देंगे। वो कहता है तुम जाकर उन्हें निकाल लो और इसे ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी भूमि है। और इसलिए भजनकार भजन 65 में ये कहता है तू हमें लेकर आया है एक बहुत ही धनी जगह पर। क्या आपने पढ़ा है? ऐसे लगता है कि ऐसे वचन हमारी आंखों से बचकर निकलते हैं। मैंने भी कई बार बाइबल पढ़ी है, बचपन में कई बार बाइबल पढ़ी, लेकिन मैं इन बातों को नहीं देख पाया। तू हमें धनी जगह पर लेकर आया है, भजनकार ये कहता है, धनी जगह पर, सूखी जगह पर नहीं। सारे प्रचारक कहते हैं वो हमें जंगल में लेकर जाएगा और वहां हमें 40 साल तक रखेगा, लेकिन बाइबल कहती है वो हमें धनी जगह पर ले जाएगा। परमेश्वर ने जंगल की यात्रा केवल 11 दिन की बनाई थी और वो भी पूरी तरह से एयर कंडीशन थी, सेंट्रली एयर कंडीशन जंगल की यात्रा। हेलो प्रभु एयर कंडीशन पर विश्वास करता है आप कहेंगे मुझे कैसे पता, नरक गर्म है तो स्वर्ग जरूर ठंडा होगा, यानी परमेश्वर एयर कंडीशनिंग पर विश्वास करता है। यानी जंगल में दिन के समय वहां पर बादल का खंबा था, आपको क्या लगता है ये तो एयर कंडीशनिंग था, रात के समय आग का खंबा, मतलब क्या ये तो एक हीटर था, यानी वहां की सर्दी के कारण वहां पर नहीं मर सकते थे, उसने उन्हें एयर कंडीशन अकोमोडेशन दिया था भोजन तो सीधा स्वर्ग से आया, वैसा नहीं जो होटल के किचन में अपने गंदे हाथों से लोग बनाते जाते हैं, ये तो शुद्ध और पवित्र रूप में परमेश्वर से आया था और चट्टान से पानी आया था, शुद्ध अद्भुत चट्टान, बिल्कुल अच्छा पानी, मिनरल वाटर, सबसे अच्छे तरह का पानी। अद्भुत जीवन के ये 11 दिन की सीख सके सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। प्रभु ने ये योजना बनाई थी, 40 साल की योजना नहीं बनाई थी, वो तो अपने अविश्वास के कारण ही वहां पर 40 साल तक रहे थे, यानी कि प्रभु की इच्छा थी। अब इस तरह से वो प्रचार करते, हाँ कई बार परमेश्वर 40 साल तक वहां पर रखता है, नहीं प्रभु 40 साल तक नहीं रखता है, अगर आप वहीं रहना चाहते हैं तो परमेश्वर क्या कर सकता है, नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, प्रभु जो चाहे कर सकता है, जो वो करना चाहे उसे करेगा। देखिए ये बात सच है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता है। आदम वो उस मना किए गए फल को खाना चाहता था, क्या परमेश्वर ने मना किया? अगर वो खाना चाहता था वो खा सकता था, उसने उसे खाने की आजादी दे दी थी। जानते हैं एक भाई इस बात पर जोर दे रहे थे, खैर भाई ऐसा नहीं, परमेश्वर जो कुछ भी करना चाहता है वो कर सकता है, जो वो करना चाहता है वो जरूर करेगा। वो वहां पर जंगल में ऐसे ही 40 साल तक नहीं रहे, अविश्वास के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो वहां पर ऐसे ही रहे। जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो उसे करेगा, अपने आप वो होगा, वो इसे जरूर करेगा। प्रचारक ने उनकी ओर देखकर कहा तुम 25 साल से चर्च में आ रहे हो, कभी दशमांश नहीं दिया, क्यों परमेश्वर ने नहीं देने लगाया?
सारी बात उसी जगह खत्म हो गई। सामान्य रूप में आप जो करते हैं वही करते हैं, आप जो करना चाहते हैं वही करते हैं, जानते हैं। कई बार ऐसी बातें हैं कि परमेश्वर भी इस बात की परवाह नहीं करता कि आपके द्वारा इसे करवा ले। वो आपकी गर्दन पकड़कर आपसे जबरदस्ती नहीं करता है, वो आपको इच्छा देता है, ऐसा मन देता है कि आप इसे करना चाहे, वो ऐसा करने की मनसा देता है, वो ऐसा करने के लिए वो आपके लिए उपलब्ध करवाता है, लेकिन आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ये सोचना गलत है कि वो आपसे जबरदस्ती ये काम करवा के रहेगा। वो आपसे विनती करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको आशीष देगा, आपसे बातें करेगा, ये सब, लेकिन वो कभी आपको ऐसा कुछ करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा जो आप कभी नहीं करना चाहते हैं। आपको खुद ही इसे करने का निर्णय लेना होगा, अपने आप ही, ठीक है। आप इसे कई बार देखते हैं, आप अब्राहम के जीवन में इसे कई बार देखते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। अब्राहम के जीवन को अगर आप देखते हैं तो परमेश्वर ने आकर उससे कहा, तो अपने देश को, अपने माता पिता को छोड़कर आ जा, मैं तुझे अपनी भूमि दूंगा, आशीष दूंगा, तुझे आशीष बनाऊंगा, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। और वो वहां से निकलता है और जहां पर परमेश्वर कहता है उस जगह पर वो जाता है। वहां अकाल पड़ा था, वहां पर अकाल पड़ा था। अब कैसे परमेश्वर कह सकता कि तुम आओ और फिर अकाल का सामना करेंगे? जब भी आप ऐसा कुछ सामना करते हैं तो आपको दो बार सोचना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के पास वहां अकाल के बीच में आपके लिए एक योजना है। अब्राहम के लिए योजना थी कि वो संपन्न हो जाए। वो उसे मिस्र में लेकर गया और मिस्र का राजा सारा की ओर एक बार देखता है, कहता मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब्राहम झूठ बोलता है, कहता ये मेरी बहन है, क्योंकि उन दिनों में अगर पत्नी सुंदर है तो राजा मारकर पत्नी को ले लेता था। तो राजा वहां पर तैयारी करता है, अपनी पत्नी के रूप में उसे लेना चाहता है। और इस बीच में उसने सोचा कि वो अपने पत्नी के भाई को कुछ अच्छे उपहार देगा। जब राजा की ओर से मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है। उसने बहुत से जानवर उसे दिए, गधियां और ऊंट और ये और वो, सोना और चांदी सब कुछ उसे दिया गया। और उसने बहुत सी भेंटे अब्राहम को दिया, जो कि उसने सोचा कि ये मेरा साला है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही सुंदर पत्नी लाया था। और जब रात को वो सोने जाता है तो परमेश्वर कहता है अगर तू इसे छुएगा तो मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि ये किसी और की पत्नी है। और अगले दिन अब्राहम को बुलाकर कहता है सुनो, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? यहां पर तो मेरी खुद की जान खतरे में थी, अपनी पत्नी ले जा, चला जा। तो अब्राहम ने कहा कल जो चीजें मुझे दी उसके बारे में क्या, उसे भी तुम लेकर चले जाओ। जबकि सब लोग अकाल के कारण दुख उठा रहे थे, अब्राहम रातों रात धनी हो गया। अकाल ने उसे नहीं मारा, क्योंकि परमेश्वर जानता था अकाल होगा। जब उसने अब्राहम को बुलाया, आपको लगता है कि परमेश्वर को पता नहीं था कि अकाल होगा? जहां वो बुला रहा है वो जानता था कि वहां पर अकाल होगा, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही अकाल के बारे में योजना बनाई थी कि वो अब्राहम को धनी बनाएगा। तो उसे वहां से निकालता है, मिस्री राजा के पास ले जाता है, और मिस्री राजा उसे देता है अपनी सारी धन संपत्ति। और अगले अध्याय का पहला वचन इस तरह से कहता है कि अब्राहम बहुत ही धनी हो गया, सोना चांदी और उसके बहुत से दास दासियां थे, उसके पास गधे ऊंट और बहुत कुछ था, बहुत धनी हो गया। ये सब कुछ कहां से आया था? सब मिस्र से आया था। उसके बाद परमेश्वर ने मिस्र को यूसुफ के द्वारा आशीष दी, क्योंकि उसने अब्राहम को दिया था। परमेश्वर ने याद रखा उसका अकाउंट अच्छा है, कहा मैं तुम्हें एक दिन आशीष दूंगा। और फिर जब यूसुफ वहां पर गया था और जब वो भूखे मरने वाले थे तो परमेश्वर ने कहा तुमने मेरे मनुष्य को दिया और धनी बनाया, तो अब मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम में से कोई भी भूख से न मरे। मैं यूसुफ को प्रकाशन दूंगा और उसे दिखाऊंगा कि कैसे भोजन बचाए और तुम खाओगे और जीवित रहोगे, जबकि संसार में सब मर रहे हैं तुम जीवित रहोगे। मैं तुम्हें अकाल से बचाऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरी पॉलिसी है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ। और इसलिए यूसुफ के समय में मिस्र में वहां पर बहुतायत थी, जो उस पहले वाले फिरौन ने दिया था वो वापस आया इस फिरौन के समय में। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ। आमेन। क्या आप सुन रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हो मेरे प्रभु, मैंने अपनी बाइबल में ये नहीं पढ़ा। निश्चय आपकी बाइबल में है, इसलिए आपको अपनी बाइबल पढ़नी है, उसे लेकर आइए और जैसे मैं आपको बताते जाता हूं आप इसे देखते जाए, ये यहां पर है। बात तो बस यही है, देखिए मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने अपनी समस्या देखने के पहले परमेश्वर समस्या को जानता है। आपके जन्म के पहले से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपकी समस्या आपके पास आने के पहले ही परमेश्वर ने आपकी समस्या को देखा है। परमेश्वर के पास आपकी समस्याओं के लिए जवाब है।
उसके पास जवाब है, वो जवाब है और हर एक समस्या के लिए उसके पास में जवाब है। परमेश्वर ने इसे पहले बनाया है। हम परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर कैसे करेगा। परमेश्वर करेगा, इसे करने के लिए हजारों मार्ग हैं। जब आप सोचते हैं सारे द्वार बंद हैं, तो परमेश्वर के पास में करोड़ों द्वार हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आमेन। प्रभु अद्भुत प्रभु है, परमेश्वर भला प्रभु है, वो हमेशा काम करता है। आमेन। मैं थ्योरी से बातें नहीं कर रहा हूं, बाइबल से ही और मैं अनुभव से भी कह रहा हूं, परमेश्वर भला प्रभु है, वो सही समय पर आता है। एक बार मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे, परमेश्वर ये है, एल है, ये एल है, एल शदाय और ये सब। उसने कहा, प्रभु के लिए नया नाम है, वो एलनिक ऑफ टाइम है। सही समय पर वो आता है, ऐसे कहा। और मैंने इसका भी अनुभव किया है, वो सही समय पर आता है, जब आपको चाहिए बिल्कुल उसी समय वो वहां पर आता है। और हम सब चिंता करते हैं कि वो सब कुछ कैसे करेगा, वो इसे कैसे लेगा। वो कहता, मैं यहां पर हूं, कोई बात नहीं, समय उसके लिए कोई समस्या नहीं। परमेश्वर पहले आगे गया है, उसने सोचा है, योजना बनाई है, उद्देश्य बनाया है और इसराइलियों के लिए बहुत ही अद्भुत जगह बनाई है। परमेश्वर ने योजना बनाई थी अब्राहम के लिए कि अकाल के बीच में भी वो धनी हो जाए। मैं कह रहा हूं, आपकी हर एक समस्या, हर एक मुश्किल जिसका आप सामना करते हैं, परमेश्वर ने उसे पहले देख लिया है, उसके लिए योजना उद्देश्य बनाई है कि आपको उसमें से लेकर जाए और उसे बाहर निकाले सफलता के साथ में, कि आप उसके अनुग्रह को जान सके और आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन की हर परिस्थिति में जानेंगे। आप असफल नहीं होंगे, लेकिन आप तो यीशु मसीह के नाम में सफल होते जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सफलता रखी है, आप हिम्मत मत हारिए, आप आगे बढ़ते चले जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन में आपके लिए सफलता रखी है। भजनकार जैसे कहता है, मुझे ये पसंद है, उसने कहा, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बहुत साल पहले जब मैं जवान था, मैं ऐसी शिक्षा सुन रहा था, उस समय जब मैं पढ़ रहा था, और मैं एक बहुत ही बड़े प्रचारक की सभा में गया था, बहुत ही विख्यात है, अगर नाम बताऊं तो आप जानेंगे। और मैं इस प्रचारक के बारे में बहुत ही उत्साहित था, उनके टेप्स खरीदता, सुनता, और जब भी वो आसपास आते मैं जाता था, 300 मील की दूरी तक जाता था, मैं वहां पर उनकी सभाओं में जाता था और उपस्थित रहता था। और एक बार वो इस बात के बारे में कह रहे थे, और वो किसी और विषय के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर आए कि कैसे परमेश्वर हमारा चरवा है। और फिर अचानक उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, इन सारी सच्चाई के बारे में मैं तो बिल्कुल नया था और मैं इन सारी बातों के लिए बहुत ही उत्साहित हो रहा था। उन्होंने कुछ कहा जिससे मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा, एक संदेश के बीच में उन्होंने कहा, मैं आपसे कहूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी एक दिन भी कंगाल नहीं रहूंगा। उन्होंने ये कहा। मैंने अपने आसपास के कुछ लोगों को देखा, मैंने कहा, क्या आपने सुना, ये कितना अहंकार है। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में कभी भी एक दिन के लिए भी कंगाल नहीं रहूंगा, यानी कहा, मैं अपने जीवन में कभी कंगाल नहीं रहूंगा, मेरे जीवन में एक दिन भी नहीं रहूंगा। और वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उस समय मैं इन सारी बातों को सीख रहा था। मैंने कहा, यह अहंकार है, जानते हैं, कोई इसे कैसे कह सकता है, क्योंकि हर समय उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तुम्हें पता नहीं भविष्य में क्या होगा, इस तरह से अनिश्चितता उन्होंने मेरे मन में डाल दी। तो मैंने कहा, कोई मनुष्य ऐसे कैसे कह सकता है, ऐसे कैसे कह सकता है, क्योंकि पता नहीं कि आगे क्या होगा, पता नहीं कि 10 साल के बाद में क्या होगा और ये सब, तो आप कैसे कह सकते हैं मैं कंगाल नहीं रहूंगा, शायद हो सकता कंगाल हो जाओ, ये ऐसे किस तरह से कह सकते हैं। हमने इस पर चर्चा की, मुझे याद है 3-4 दिनों की सभा थी और हम इन सारे सेशंस में वापस आते रहे, और एक सेशन में हम वहां पर बैठे थे और उन्होंने फिर से इस विषय पर कहा कि उस दिन मैंने ये कहा था कि मैं अपने जीवन में कभी भी कंगाल नहीं रहूंगा। आप में से कुछ लोग दिल में सोच रहे हैं, ये कितने अहंकारी हैं। मैंने कहा, भाई आपको कैसे पता चला? क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में रहे जहां पर आपके मन में कोई संदेह था और प्रचारक बिल्कुल उसी मुद्दे पर आपको प्रचार करते हैं? वो तो आत्मा के अभिषेक का प्रचार है। तो मैंने सोचा, भाई आपको कैसे पता चला? और उन्होंने कहा, मैं आपसे कहता हूं, आप सोच रहे हैं कि ये वाक्य कहकर मैं अहंकारी हो गया हूं, मैं इसे बाइबल से कह रहा हूं, मैंने इसे नहीं कहा, दाऊद ने इसे कहा, इसलिए मैं इसे कहता हूं। उन्होंने भजन 23 निकाला और इसमें से पढ़कर कहा, मैं बताता हूं दाऊद ने कहां पर कहा, और उन्होंने भजन 23 निकालकर वचन 1 पढ़ लिया, यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। और उन्होंने कहा, अमेरिकन इंग्लिश में इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन भर में कभी एक दिन भी कंगाल नहीं रहूंगा। हेलो, क्या आप यहां पर हैं? और मैं कुछ भी नहीं कह सका। मैंने कहा, प्रभु की स्तुति हो भाई। मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद।
और फिर मैं इसे कहने लगा कि मैं भी अपने जीवन में फिर कभी एक दिन भी कंगाल नहीं रहूंगा, एक दिन भी अपने जीवन में कभी कंगाल नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं कुछ लोग देखकर ये कह रहे हैं, मेरे प्रभु मुझ पर बहुत से कर्जे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, ये और वो मुश्किलें हैं, मेरे पास पैसा नहीं, और ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में कभी कंगाल नहीं रहूंगा। ये मेरे साथ में बिल्कुल संबंध नहीं रखता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे कुछ कहूं जो उनसे जुड़ता हो, कि वो गरीब है तो मुझे गरीब के बारे में कहना है। नहीं, इससे आपकी कोई मदद नहीं होगी। अगर आप गरीब है तो आशीष के बारे में कहना होगा, जानते हैं, यही आपकी मदद करेगा। तो यानी कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं कि मैं तो कंगाल हूं और ये कह रहे हैं मैं कभी कंगाल नहीं रहूंगा। अब देखिए, क्या आपको गरीबी पसंद है? किसी को गरीबी पसंद नहीं। मैं सोचता अगर गरीबी पसंद है तो दिमाग में कुछ न कुछ घटी हो गई है। कोई गरीब होना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उनके पास बिल्कुल पैसा न रहे और ये सारी बातें। यानी आपके पास जो है अगर वो आपको पसंद नहीं, यानी अगर आप किसी दिशा में जा रहे हैं और वो आपको पसंद नहीं है, तो कुछ कीजिए, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बाइबल कहती है कि बड़े जहाज को देखो, बड़ा जहाज जो कि बड़ी तेज हवा से चलता है, वो तो छोटी पतवार से ही मोड़ दिए जाते हैं, जो कि आपकी जीभ है। याकूब अध्याय 3:3 कहता है वो आपकी जीभ है। बड़ा जहाज छोटी पतवार से मोड़ दिया जाता है, जो आपकी जीभ है। तो जीभ का पतवार जैसे उपयोग करे, क्या करना है, जीवन को आपको दिशा देना है अपने जीभ से। कैसे दिशा देंगे? आपको कहना है, जबकि आप गरीब है, आपको ये कहते जाना है, यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। राह न देखे कि आप ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां घटी नहीं होगी, कि कहे मुझे घटी नहीं है। ये तो ऐसा नहीं है, ये तो आसान है। देखिए, जब सब कुछ ठीक होता है तब ऐसा कहना आसान होता है। जब आपके पास नहीं है, आप कंगाल है, हाथ में एक भी पैसा नहीं है, अपने सामने उज्जवल भविष्य नहीं देखते हैं, तो अपने मुंह को खोलकर आप घोषित करते जाएं। और प्रतिदिन जैसे अपना मुंह खोलकर घोषित करते हैं तो अपने जीवन को दिशा देते हैं, इसे सही दिशा में लेकर आते हैं। आप कहते हैं कि मेरा जीवन जो अभी इस दशा में है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे मोड़ दूंगा और दूसरे मार्ग पर जाऊंगा, मैं इसे अपने जीभ के द्वारा निर्देश दूंगा, और आज के दिन से मैं ये कहूंगा कि यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। मुझे एक भाई शॉपिंग के लिए ले जाकर कहने लगे, आप देख सकते हैं इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। मैंने सोचा मॉल में क्यों जाए जबकि पैसा नहीं है। उन्होंने कहा बस उसे देखते जाओ, जब आप कुछ देखेंगे तभी आप वो चाहेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे और फिर वो आपको मिलेगा। हेलो। मैंने सोचा मेरे पास पैसा नहीं, मैं मॉल में क्यों जाऊं। उन्होंने कहा आकर इसे देखो, कम से कम कुछ लेने की इच्छा आपके अंदर होगी, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके बाद में आपको मिलेगा। इसे कहें इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आप अपना मुंह खोले और कहते जाएं, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मैं अपने जीवन में कभी कंगाल नहीं रहूंगा, एक दिन भी कंगाल नहीं रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप इसे कहें और मैं आपसे कहूं, शायद आपका जीवन नहीं बदलेगा एक दिन में, एक हफ्ते में, या शायद एक साल में भी, लेकिन ये जरूर बदल जाएगा। कभी न कभी आप बिल्कुल उल्टी दिशा में जाने लगेंगे, आप सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, आप संपन्नता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये जरूर होगा। ये बड़ा जहाज है, इसे मुड़ने के लिए समय लगता है, और निश्चय आपकी यात्रा बहुत ही मधुर हो, सफल हो और बहुत ही अद्भुत हो और संपन्न हो जाए, और आपकी यात्रा बहुत ही संपन्न हो जाए, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं वहां पर मोड़ दे। इस वचन में कहता है जहाज को ही देखो जो बड़ी है और हवा से चलाई जाती है, लेकिन छोटी पतवार बड़ी जहाज को मोड़ देती है उस जगह पर जहां पर कप्तान उसे ले जाना चाहता है। इस तरह ये कहता है, आप इसे पढ़िए, उस जगह पर जहां कप्तान उसे ले जाना चाहता है। ठीक है, मेरे घर में एक चित्र होता था जहां पर कोई मनुष्य जहाज के व्हील को थामे था और यीशु अपना हाथ उस मनुष्य के पीठ पर रखता है पीछे खड़े रहकर। कुछ लोगों ने सोचा कि यीशु ही कप्तान है। यीशु कप्तान नहीं है, आप कप्तान हैं। हेलो, सारे कप्तान देखिए। आप कप्तान हैं, आप कहां जाना चाहेंगे? यीशु कौन है? यीशु वो है जो आपके साथ में रहता है, आपकी मदद करता है। कहां जाना चाहते हैं वो मदद करेगा। अगर जाना नहीं चाहते तो वो क्या करेगा? क्या आप कहीं जाना चाहते हैं? सफलता की ओर आप जाना चाहते हैं? आप संपन्नता की ओर जाना चाहते हैं? आप इसे करना चाहते हैं? अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं? आप कहां पर जाना चाहते हैं? आप कप्तान हैं, जहां भी कप्तान लेकर जाना चाहता है, ये पतवार, ये जीभ पूरे जीवन को मोड़ देती है उस दिशा में, जिस दिशा में कप्तान ले जाना चाहता है।
कप्तान वहां पर है और ये पतवार यहां पर है। Your friends, O Lord.